सो गाइस इस ढाबे में हमने लंच किया, अब चलते हैं। एक बज रहा है और अभी यहाँ से राजस्थान खत्म और उत्तर प्रदेश शुरू, और अब हम आगरा से कुछ ही दूर रह गए हैं। 1:30 बज रहा है, नागला मखरोल एक बाईपास है आगरा के लिए, वहीं पर हम यहाँ उतरे हैं और अपने सुंदर भाई जा रहे हैं। लंच कराया आज का हमारे उन्होंने, और एक्चुअली उन्होंने हमारी कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प की है, बोले हैं बताना नहीं तो इसलिए हम बताएंगे नहीं कितना दिया। ऐसे ही इंसान हर किसी को मिलने चाहिए, क्या बोलते भाई? क्या कहूँ यार, अब मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के लिए शब्द नहीं है भाई। यार भाई इतने अच्छे लोग, भाई ट्रक ड्राइवर या मैं कसम से इतने अच्छे होते हैं ना, मैं उनके लिए शब्द नहीं हमारे पास, मतलब इतनी अच्छाई मैं बोल नहीं सकता भाई। मध्य प्रदेश के कई जगहों में पुलिस वाले हैं ना जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो भी घुस ले रहे हैं, और इन भाई के साथ भी कई बार हुआ है दोस्तों, ये हमें बता रहे थे, और अभी भी धौलपुर सिटी के आसपास भी ऐसा हो रहा था। खैर अभी हमारे पास कोई पावर नहीं है तो हम उनका वीडियो रिकॉर्ड करके सबूत कहीं पेश नहीं कर सकते, पर जब हमारे पास पावर आएगी तो हम गरीब लोगों के लिए कहीं ना कहीं बात जरूर उठाएंगे। और देखिए जो पावर में है भाई वो गलत इस्तेमाल करें ये गलत बात है यार, है ना? बहुत गलत बात है। अभी हमारे पास कोई ताकत पावर किसी की सहायता नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, मजबूर हैं, पर जब हमारे पास पावर ताकत आ जाएगी तो हम कुछ ना कुछ उचित कदम उठाएंगे जो कानूनी तौर पर सही होगा। अगर आप लोग में से कोई सरकारी आदमी हो तो इसका पावर का गलत इस्तेमाल मत करो यार, हम हाँ, और हमें सपोर्ट करो, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम दोनों की मुफ्त यात्री और इंदिरा द ब्लॉगर के वीडियो में देख सकते हैं कितनी इंसानियत है यार, गरीब लोगों में कितनी इंसानियत आप लोग देख सकते हैं यार। तो आप लोग के पास तो पावर है, जो पावर में है सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप लोग यार इसका सही उपयोग कीजिए। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off. So guys, 2:30 बज रहा है अभी और पेट्रोल पंप पे। अच्छा पहले ये बताओ कि इसके पहले वाला जो सीन आपने देखा वो आपको कैसा लगा? थोड़ी सी मेहनत लगी बट मुझे लगता है शॉट अच्छे होंगे। उसने सारे के सारे शॉट लिए गए थे इनके द्वारा, रितेश भाई को क्रेडिट जाता है जो भी सीन था। बाकी गुरुजी भाई यही है हमें सिखाने वाले, यही है भाई। तो गाइज हम आगरा वाले मेन रोड पे आ गए, यहाँ से 40 किलोमीटर और है आगरा। बाकी पानी बहुत अच्छा है, रितेश भाई नहाए नहीं नहाए हो जाके नहा लो, हाँ चलें चलें क्या यार, ये क्या बोलते ना। नमस्कार भाई, जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है भाई आपका? अभय कुमार। ये हम लोग किस जगह पे हैं? अभी आप आगरा से थोड़ा पीछे हैं 10 किलोमीटर, ये नागला मखरोल बाईपास के पास जी, है ना? वो रहा पीछे पेट्रोल पंप और आपको शायद बीच दिख रहा होगा पीछे। ये एक्सीडेंट हुआ कब? ये रात को हुआ था। अच्छा रात को हुआ है जी। क्या हो गया था, मतलब क्या दिक्कत थी? नींद आ गई थी ड्राइवर को, पीछे से गाड़ी में लग गया था सरसों की गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब भाई साहब ब्रेक नहीं मार पाए। और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों थे या एक ही जन थे? दोनों थे। तो दोनों में से किसी को कुछ नुकसान हुआ है? ड्राइवर तो ठीक है लेकिन कंडक्टर हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, क्या उम्र रही होगी दोनों की, उम्र कितनी रही होगी दोनों की? उम्र होगी 30 से 35 होगी ड्राइवर की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भाई। बस यार दुआ करता हूँ दोनों सही सलामत रहें, और आप भी ड्राइव करते हैं भाई? जी मैं भाई, मैं हमारी तरफ से यही कहना चाहेंगे आपको कि अपना ख्याल रखना यार, है कि नहीं भाई? जान से बढ़कर कुछ नहीं होता यार, है ना? नींद वगैरह आ जाए तो कहीं रेस्ट ले लें, रुक जाए, है ना? चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। बाकी अपना ख्याल रखें, जय हिंद। सो गाइस हम लोग तकरीबन आगरा यहाँ से 14 किलोमीटर है, हम लोग हाईवे पर चल रहे थे लिफ्ट लेने के लिए, हिचहाइकिंग के लिए हम लोग रेडी थे, पर रास्ते में चलते चलते हम एक मार्केट में पहुँचे। मार्केट में हम लोग के चलते चलते एक सर मिल गए और पूछने लगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी सी बात की और उसके बाद यहाँ पर एक शॉप है, आप शॉप दिखाएं जरा, श्रीराम टेंट एंड क्रोकरी हाउस। तो और जनाब यहाँ पर बैठे, ये सर हमें यहाँ पर बुलाए और इन्होंने हमारे लिए ठंडा पानी दिया, बिस्किट दिया खाने के लिए, चाय भी दिया है। सो गाइस इसी इंसानियत को हम लोग दिखाने के लिए निकले हैं, और यही इंसानियत वाला चेहरा आप देख लीजिए, भोले से चेहरे और दिल कितने बड़े हैं। सर से कुछ बात करते हैं, आइए। नमस्कार सर, आपको क्या लगा कि इन दोनों जनों से, इन जवानों से बात करनी चाहिए, और क्या सोचकर आपने हमें यहाँ बुलाया? हमें ये लगा कि ये अपने यात्रा पर जा रहे हैं, तो इनका जब आपका जो बैग हमने देखा भारत यात्रा, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, भारत माता की आप यात्रा कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए जो कुछ मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और थोड़ा संपर्क भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारी मानवता है तो वो मानवता का भी फर्ज अपना बनता है, जरा थोड़ा सा आपको दिखा दें। हाँ, दो बातें की जाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो गाइस यही है, देख लीजिए, यही मानवता, यही इंसानियत हम देखने और दिखाने निकले हैं। और ऐसे ही लोग इंसानियत वाले मिल जाते हैं और इनकी वजह से हमारा कुछ नाश्ता पानी हो जाता है, ऐसे ही खाना हो जाता है, ऐसे ही सफ़र चल रहा है। तो यार ऐसा कोई बड़ी सी मंजिल, बड़ी सी सोच, देश सेवा की भावना, या फिर लोगों को जब आप कुछ देने के लिए निकलते हैं ना, आपके पास हो कुछ भी ना, फिर भी मिल जाता है, तो ये बड़ी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे शख्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो गाइस अब हम वहाँ से आगे निकल चुके हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वैसे तो ताजमहल यहाँ से 11 किलोमीटर ही बचा है, पर हमें जाना आगरा है। एक बात कहनी वो ये कि जहाँ हम अभी भाई साहब के पास बैठे थे, वो भाई साहब ने हमें नाश्ता पानी भी कराया, चाय वाय भी पिलाई। उनके साथ में एक और भाई बैठे थे, उन्होंने भी अपनी तरफ जितना हो सका खिलाया पिलाया। बात ये कहनी है कि लोग नाश्ता पानी तो करा देते हैं, उसके साथ हम जब पैसे देते हैं, और वो भी उन हालात में जब उनके खुद के हालात बहुत अच्छे नहीं होते, तब दिल पिघल जाता है। यही बात हमारे साथ हुई है। वो भाई साहब ने कहा कि यार मैं जाति का तो बड़ा नहीं हूँ, पर मैं आपके लिए खाना दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो, लेकिन 1 घंटे लगेंगे। तो हमने उनको मना कर दिया। मना इस बात पर नहीं किया कि उन्होंने जात ही अपनी बता दी और वो जात छोटी थी, मना सिर्फ इस बात पर किया कि यार 1 घंटे में हमारा थोड़ा सफ़र हो जाएगा, बाकी और कोई बात नहीं। हमने उनसे कहा कि यार जाति और धर्म हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम फौजी भाइयों की सोच को सलाम करते हैं और उनकी ही सोच को आगे बढ़ा रहे हैं कि यार दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। ये हमने देख ली, रहा नहीं जा रहा था, इसके लिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। इस तरीके से आप भी इंसानियत दिखाएँ, लोगों की हेल्प करें, ऐसे हमारी भी हेल्प आप अगर कर सकते हैं तो वीडियोज़ पूरा एंड तक देखें, देखें हर एक वीडियो में कि कितने अच्छे इंसान हमारे देश में रहते हैं। गाइस 5 बज गए हैं और हमें लिफ्ट मिल चुकी है तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की, और जिन भाई साहब ने हमें गाड़ी में बिठाया है, चेहरा देख लीजिए। सो इनसे हमने एक बात की यार आपने हमें गाड़ी में क्या सोचकर गाड़ी रोक दी और बिठाया, तो बोलते भैया गाड़ी जा रही है, अब भी चले जाओ। तो मैंने कहा यार हम लोग काफ़ी टाइम से खड़े हैं, कोई गाड़ी रोका नहीं। बोलते यार तभी तो देश हमारा पीछे है। तो बात सही है भाई, कभी कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसकी हेल्प ऐसे करनी चाहिए यार, ये सोच रखनी चाहिए, इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। बस बाकी बहुत अच्छा लगा कि इनकी सोच बहुत अच्छी है यार, ऐसी सोच हम सबकी भी अच्छी होनी ज़रूरी है। हमारी कोशिश थी थोड़ा जल्दी पहुंचने के, पर 5:43 हो चुके हैं और 10 मिनट का रास्ता है, 3.5 किलोमीटर हमें जाना है हरी पर्वत थाना, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे उनके पास, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है मोनू पाल व्लॉग्स, सर्च कर लेना ना अगर जानना चाहते हो कि वो कौन है, ठीक है। बाकी यहाँ से लिफ्ट ले रहे हैं, देखते हैं कौन भाई साहब रोकते हैं सबसे पहले। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक भाई से मिला, उन्होंने मुझे काफ़ी दूर तक ड्रॉप कर दिया है। गाइस कुछ तो मुझे वहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छा सा, पता नहीं क्या, इसके बारे में लोगों से पूछेंगे और हो सकता है कल एक्सप्लोर भी करेंगे। दोस्तों ये है मोनू पाल व्लॉग्स, इनसे मिलने के लिए आ रहे थे। जय हिंद। जय हिंद। चलो अच्छा, आगरा में कौन सी जगह है? संजय पैलेस। ओके, बाकी कई बातें इनके व्लॉग पे देख लेना आप। आगरा में हमारे परम भाई मित्र देश यादव के